हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक वंस अगेन इन स्टडी बैटल। सो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने जो जीएसआई मेंस या कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस का एग्ज़ाम है 2022 का, तो उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पैलेंटोलॉजी सेक्शन जियोलॉजी पेपर वन से रिलेटेड था, तो उसमें हमने जो सूचर्स थे एमनोटिक सूचर्स के बारे में, जिसमें हमने गोनियाटिटिक सूचर, ओके, नॉटोलिटिक सूचर और सेरेटिटिक सूचर, इन सारे सूचर्स के बारे में बात की थी। तो उसी सीरीज़ में आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो खुद फिर पैलेंटोलॉजी से ही रिलेटेड है, और ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है, 2 से 3 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हुआ है, दैट इज़ फेसियल सूचर्स इन ट्रायलोबाइट्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कौन कौन से सूचर्स हैं ट्रायलोबाइट्स में, ठीक है, क्या उनकी पोजिशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आए तो उसकी नोटिस आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो ये एक इमेज यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दी है, तो ये देख सकते हैं इसमें प्रोपायरियन है, गोनाटोपायरियन है, ऑपिस्थोपायरियन है, उनका सबका जो डायग्राम है वो एक डायग्राम हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में जिन लोगों ने ऐड नहीं हुआ, जो लोग अभी नए ऐड हुए हैं वो ऐड हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले हम टॉपिक से शुरू करें, थोड़ा सा आपको बेसिक समझ लेना ज़रूरी है कि आपको पता होगा कि एक ट्रायलोबाइट में, देखिए 3 पार्ट्स में ट्रायलोबाइट ट्रांसवर्सल अगर फॉर्म में हम बात करें तो डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो उसका जो ट्रांसवर्सल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ट्रांसवर्सल लोब्स रहते हैं जो कि आपका एंटीरियर पार्ट में हेड शील्ड होता है। ठीक है, उसको हेड शील्ड भी कहते हैं या उसको हम सेफलॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसको सेफेलॉन कहा जाता है। फिर जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं थोरैक्स। ठीक है, जो मिडिल पार्ट होता है उसको थोरैक्स कहा जाता है। ठीक, और सबसे जो पोस्टीरियर पार्ट या सबसे जो लास्ट पार्ट होता है अगर हम ट्रांसवर्सल सेक्शन में बात करें तो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको हम PGDM कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको बेसिक्स जो है वो पता होगा। तो उसमें जो सूचर्स होते हैं ये सेफेलॉन में, जो हेड पार्ट होता है, तो ट्रांसवर्सल पार्ट में सबसे ऊपर का पार्ट है जिसको एंटीरियर पोर्शन भी कह सकते हैं, हेड शील्ड भी कहते हैं समटाइम्स, एंड समटाइम वी कॉल इट एज सेफेलॉन। ठीक है, तो उसी हेड शील्ड में या सेफेलॉन में ही जो फेसियल सूचर्स हैं वो इंक्लूड होगा। जैसे नाम ही है फेशियल, तो उनके फेसेस में वो आई के लोब्स होती हैं, जो आँख है उसमें लोब्स होते हैं, वहीं पर फेसियल सूचर्स बनते हैं। तो ऑब्वियस है कि जहाँ पर हेड होगा उसी के आसपास आईज होंगी, तो फेसियल सूचर का जो अगर मॉर्फोलॉजी में हम बात करें तो फेसियल सूचर्स ऑब्वियसली सेफेलॉन में ही बनेंगे या हेड पार्ट में ही बनेंगे। ठीक है, तो आइए और आगे इसमें और आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम दे दिया गया है। अगर हम क्रैनियम की बात करें, क्रैनियम मतलब जो अपर पोर्शन, जो हेड पोर्शन होता है, तो उसमें ग्लैबला प्लस फिक्सिनिगी होता है। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास समझना ज़रूरी है। ठीक है, ग्लैबला जो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन, हेड का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जीनल एंगल बनाता है, और जो एक्सियल लोब ऑफ सेफेलॉन, ठीक है, जो सेफेलॉन है उसकी जो एक्सियल लोब है, तो उस एक्सियल लोब को जो है हम यहाँ पे ग्लैबला कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सियल लोब है उसको यहाँ पे ग्लैबला कहा जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सेम लिखा हुआ है, द सब डिविजन्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट एरियाज व्हिच आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द ट्रायलोबाइट सेफेलिक मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो सेफेलॉन जो है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जो सबसे उसमें ट्रांसवर्सल लोब्स में सबसे जो एंटीरियर मार्जिन में हेड होता है उसको हम सेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यहाँ पे पहले से लिखी हुई हैं, ये आपने जो मॉर्फोलॉजी है वहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, प्रीऑक्युलर एरिया होता है, ठीक है, पैल्पिब्रल एरिया होता है, पोस्ट ऑक्युलर एरिया होता है, ठीक है, पोस्टीरियो लैटरल प्रोजेक्शन होता है, ऑक्यूपिटल रिंग्स होते हैं, ग्लैबला होता है, पोस्टीरियर एरिया होता है, लैटरल बॉर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे एरिया या प्री ग्लैबला एरिया होता है, तो ये ग्लैबलर एरिया होता है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं और
उस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी किसी और दिन हम जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फोकस आज हम रखते हैं कि जो फेसियल सूचर है, क्योंकि 60 नोट में 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपका कंपलसरी या 10 नंबर का जो आपका शॉर्ट नोट लिखने को आता है वो यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सेम वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फेसियल्स और सिफेलिक सूचर्स, दीज आर द नेचुरल फीचर्स फीचर लाइन सूचर जनरली प्रेजेंट इन द सिफेलॉन ऑफ ट्राइलोबाइट, ठीक है। तो जो हेड है, हेड पोर्शन है, जो एंटीरियर पोर्शन है, उसमें सिफेलॉन में ट्राइलोबाइट्स में ये अकर करते हैं। एंड देयर फॉर्मेशन वॉज टू असिस्ट द, क्यों इसकी यूज़ क्या था, क्यों ये उनकी मॉर्फोलॉजी में पाए जाते हैं, इन ऑर्डर टू असिस्ट द ट्राइलोबाइट इन सेडिंग इट्स ओल्ड एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग द एग्डाइसिस प्रोसेस, ठीक। तो एग्डाइसिस प्रोसेस या मॉल्टिंग प्रोसेस जो है इसको हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो GSI मेंस के लिए, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो चाहे वन लाइन सॉरी जो आपके जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट नोट टाइप के, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको थोड़ा मिलेगा जो है, उससे आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगी या आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले लास्ट ईयर्स में, ठीक है। और ये यहाँ पे पहले ही हमने आपको जंक्शन के बारे में या ये जो सूचर है इसके बारे में पिछले वीडियो में जो हमने एमनोटिक सूचर्स के बारे में बात की थी, तभी हमने इसको डिफाइन किया था कि सूचर्स का मतलब क्या है। देखिए सूचर का मतलब है कि कोई जंक्शन लाइन होगी, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जंक्शन लाइन जो थी, इस वीडियो में भी सूचर्स हैं। तो सूचर्स ट्राइलोबाइट के फेस में अगर हम बात करें तो फेसियल सूचर्स ट्राइलोबाइट में जो हैं, ठीक है। सो दे द फ्री चीक जो होता है, जो सिफेलॉन में जो फ्री चीक है, दैट इज़ मूवेबल और फिक्स्ड चीक अलॉन्ग दियर जंक्शन लाइन, ठीक है। तो जो चीक है वो मूवेबल है अलॉन्ग अ फिक्स्ड लाइन, तो उस फिक्स्ड लाइन को हम जो है सूचर लाइन कहते हैं, या उसी को हम फेसियल सूचर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब उसका जो डिवीज़न है उसमें जो ओलेनेलिया है, ठीक है, उसका जो ओलेनेलिया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो ओलेनेलस है, ठीक है, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर ट्राइलोबाइट है, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो उसके सब डिवीज़न में एक सब ऑर्डर है ओलेनेलिया। तो उसकी जितनी भी स्पीसीज़ हैं, ऑल स्पीसीज ऑफ ओलेनेलिया दैट बिकेम एक्सटिंक्ट इन द वेरी एंड ऑफ द अर्ली कैम्ब्रियन, ठीक है, लाइक फैलोप्सिस, ठीक है, फैलोटेप्सिस है यहाँ पे, नेवाडिया है, ठीक है, ओलेनेलस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, दे लैक द फेसियल सूचर्स, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था ट्राइलोबाइट्स एमनॉइड के टाइम पे भी कि जो इवोल्यूशन होता तो उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, एक टाइम पीरियड पे इवोल्यूशन हुआ, फिर कुछ और चीज़ों में इवोल्यूशन होगा, लेकिन जो सबसे प्रिमिटिव जैसे सबसे जो प्राइमरी फीचर्स थे, जो सबसे प्राइमरी ग्रुप थे, उसमें हो सकता है फेसियल सूचर, या जैसे पिछले वीडियो हमने एमनोटिक सूचर्स के बारे में बात की थी, तो वो हो सकता है ना हो, क्योंकि इवोल्यूशन एक ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ कि ओलेनेलस जो सब ऑर्डर है ओलेनेलिया, उसमें फेसियल सूचर्स जो हैं जो अर्ली कैम्ब्रियन के जो स्पीसीज थी, तो उसमें फेसियल सूचर्स पूरी तरह से जो है वो लैकिंग थे, मतलब उसमें फेसियल सूचर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जा चुका है कि व्हिच ऑर्डर और व्हिच, ये जैसे ओलेनेलस आपको एग्जांपल देके ही पूछा जा गया है, ठीक है, कि ओलेनेलस किसमें, या व्हिच फॉसिल ग्रुप, व्हिच फॉसिल ऑफ ट्राइलोबाइट डजंट बियर और लैक्ड इन फेसियल सूचर्स, ठीक है। तो ओलेनेलस करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ओलेनेलस जो है या ओलेनेलिया इसकी जो सब ऑर्डर है उसमें फेसियल सूचर्स एब्सेंट है, लैकिंग है, ठीक है। अब उसमें जाहिर सी बात है उसके पास रीजन क्या होगा, दे आर नेवर बिलीव्ड टू हैव नेवर डेवलप्ड फेसियल सूचर्स हैविंग प्रीडेटेड दियर इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन जब शुरुआत हुई, फेसियल सूचर जब इवॉल्व होना शुरू हुआ, उससे पहले ही उनका जो है एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ इसमें जो फेसियल सूचर्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए। सो बिकॉज ऑफ दिस अलॉन्ग विद अदर प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर नॉट प्रेजेंट, दे आर टू बी द अर्लीस्ट एंसेस्टर्स ऑफ लेटेस्ट ट्राइलोबाइट, जो लेट बाद में ट्राइलोबाइट्स इवॉल्व हुए उनके जो है वो एंसेस्टर के टाइप में प्रिवेलेंट हुए, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं जो फेसियल सूचर्स होते हैं, तो ट्राइलोबाइट फेसियल सूचर्स दे कैन बी रफली डिवाइडेड इंटू जनरली फाइव टाइप्स अकॉर्डिंग वेयर द सूचर एंड रिलेटिव टू द जीनल एंगल, ठीक है। तो जो जीनल एंगल के रेस्पेक्ट में सूचर लाइंस कहाँ पे एंड होती है उसके बेसिस पे जो फेसियल सूचर्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड,
ठीक है। तो अब जीनल एंगल का मतलब क्या हुआ, द एजेस वेयर द साइड एंड रियर मार्जिन्स ऑफ सेफेलॉन कन्वर्ज, ठीक है। तो सेफेलॉन का जो एज है और साइड और जो रियर मार्जिन है, ठीक है, जो एजेस हैं साइड और रियर मार्जिन की, वो जहाँ पे एंड होती हैं, ठीक है, तो उसको हम सेफेलॉन में कन्वर्ज, जहाँ पे कन्वर्ज करती हैं उसको हम कहते हैं जीनल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंट का मतलब हुआ कि एब्सेंट मतलब किन्हीं किस स्पीसीज में एब्सेंट थे, तो फेसियल सूचर्स दे आर लैकिंग इन ओलेनेलिया, या अभी हमने पहले आपको बताया, ठीक है, ओलेनेलिया जो ग्रुप था या ओलेनेलस जो फॉसिल था उसमें फेसियल सूचर्स थे वो कम्प्लीटली लैकिंग थे, ठीक है। कंसिडर्ड अ प्रिमिटिव स्टेट एंड इट्स ऑलवेज कम्बाइंड विद द प्रेजेंस ऑफ आईज, ठीक है। प्रोपायरियन की अगर हम बात करें तो फेसियल सूचर्स एंड इन फ्रंट ऑफ द जीनल एंगल, ठीक है, जो जीनल एंगल है उसके बिल्कुल फ्रंट में, प्रोपायरियन का मतलब है बिल्कुल फ्रंट में जो है वो फेसियल सूचर एंड होगा अलॉन्ग विद द लैटरल मार्जिन। सो लैटरल मार्जिन के साथ साथ जो फेसियल सूचर है वो जीनल एंगल के फ्रंट पे, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल अगर इस इंक्लूड करता है, एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे डेलमनाइट्स है, ठीक है, डेलमनाइट्स है या फैकोपिना है, ठीक है, या यहाँ पे एग्नोस्टिडा है, एग्नोस्टिड भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल आपको याद रखना है, ये इसका जो ग्रुप है या इसके जो ऑर्डर है वो नहीं याद रखना है, आपको केवल एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। फैकोपिटा आप याद रखिए और एग्नोस्टिडा याद रखिए, ये प्रोपायरियन के एग्जांपल है, ठीक है। प्रोपायरियन का मतलब क्या हुआ कि जो फेसियल सूचर जीनल एंगल के फ्रंट में जो थे वो एंड होता है, ठीक है, तो फेसियल सूचर एंड इन फ्रंट ऑफ द जीनल एंगल, ठीक है। लेटरल मार्जिन जो है लेटरल मार्जिन के साथ साथ फेसियल सूचर एंड होता है यहाँ पे जीनल एंगल के इन फ्रंट में, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं प्रोपायरियन, ठीक है। फिर यहाँ पे गोनेटोपायरियन, गोनेटोपायरियन में क्या है, जो जीनल एंगल है उसकी बिल्कुल टिप पे, फिर जिसको जो बॉर्डर है बिल्कुल जो टिप है वहाँ पे अगर फेसियल सूचर एंड होता है तो उसको हम कहते हैं गोनेटोपायरियन, ठीक है। गोनेटोपायरियन में बिल्कुल द फेसियल सूचर एंड्स एट द टिप ऑफ द जीनल एंगल, और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो यहाँ पे है कैलमीन, ठीक है। अब आपको एग्जांपल भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल पूछे जाते हैं आपसे, या जब भी आपको शॉर्ट नोट टाइप पे या कंपलसरी में लिखने को आएगा तो आप गोनेटोपायरियन उसकी डेफिनेशन लिख देंगे प्लस उसका एग्जांपल जरूर मेंशन करेंगे। कैलमीन जैसे हो गया, सबसे फेमस एग्जाम्पल है गोनेटोपायरियन का, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना, ज़्यादा एग्जाम्पल आपको लिखने भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज वन एग्जांपल तो मस्ट है, एक एग्जांपल आप जरूर लिखेंगे। ओपिस्थोपायरियन की अगर हम बात करें तो ओपिस्थोपायरियन का मतलब हुआ कि जो सेफेलॉन है, सेफेलॉन की अगर अभी हमने बात करी तो सेफेलॉन का जो पोस्टीरियर मार्जिन है उसके एंड पे, ठीक है, तो द फेसियल सूचर एंड्स एट द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द सेफेलॉन, ठीक है। तो सेफेलॉन का जो पोस्टीरियर मार्जिन है, देखिए दो मार्जिन होते हैं, एक एंटीरियर मार्जिन होता है और एक पोस्टीरियर मार्जिन होता है, ठीक है। तो एंटीरियर जो पोस्टीरियर मार्जिन है सेफेलॉन के पोस्टीरियर मार्जिन पे जब एंड होता है फेसियल सूचर तो उसको हम कहते हैं ओपिस्थोपायरियन, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका ओलेनिना है और यहाँ पे इलेनिना है, ठीक है। ओलेनिना और इलेनिना ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ओपिस्थोपायरियन है, जो कि जो सेफेलॉन है उसके पोस्टीरियर मार्जिन पे एंड कर रहा है फेसियल सूचर, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फेसियल सूचर, ठीक है, सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो आपको जो फेसियल सूचर है वो सबसे ज़्यादा ओपिस्थोपायरियन फेसियल सूचर ही प्रिवेलेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हाइपोपायरियन की, हाइपोपायरियन कहते हैं या इसी को हम मार्जिनल कह देते हैं क्योंकि ये मार्जिन पे बिल्कुल ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो डॉर्सल सूचर है दे आर ऑल्सो सेकेंडरी मे बी सेकेंडरली लॉस्ट, ठीक है, एक होता है पोस्टीरियर और एक होता है वेंट्रल और डॉर्सल टाइम, तो डॉर्सल सूचर मे बी सेकेंडरली लॉस्ट एंड सेवरल एग्जाम्पलरी टाइम सीरीज ऑफ स्पीसीज सो द माइग्रेशन ऑफ द डॉर्सल सूचर until it coincides with the margins of the cephalon, ठीक है।
सो डॉर्सल साइड में, चूंकि यहाँ पर मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब है कि वो माइग्रेट करता रहता है अपनी पोजीशन से, ठीक है, जो सूचर है वो माइग्रेट करता रहता है टाइम सीरीज ऑफ स्पीसीज, सो दैट द माइग्रेशन ऑफ द डॉर्सल सूचर और कब तक अनटिल इट्स कॉन्साइड्स विद द मार्जिन ऑफ द सिफलॉन, तो जब तक ये सिफलॉन के मार्जिन से कॉन्साइड नहीं करता है तब तक ये माइग्रेट करता रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हाइपोपायरिन या मार्जिनल सूचर भी कहा, ये इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सॉरी जो फिगर देख सकते हैं, प्रोपायरियन है, गोनाटोपायरियन है, ऑपिस्थोपायरियन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे देख सकते हैं प्रोपायरियन की, जैसे हमने अभी अगर बात करी तो इसमें जो स्ट्रेट जो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड एंडिंग एट द एंटीरियर लैटरल मार्जिन, ठीक है, तो जो लैटरल मार्जिन है वो लैटरल मार्जिन पे ही यहाँ पे आके खत्म होता है, ये जीनल एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जीनल एंगल है, ये इसका पोस्टीरियर मार्जिन है और इधर इसका एंटीरियर मार्जिन है, ठीक है, तो ये उसके बिल्कुल एंटीरियर जो लैटरल मार्जिन है वहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें गोनाटोपायरियन की, तो गोनाटोपायरियन के भी बारे में अभी हमने बात की है आपसे, ठीक है, गोनाटोपायरियन का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया आपको कि ये एंटीरियर मार्जिन से स्टार्ट होगा और जीनल एंगल पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड एंडिंग एट द जीनल एंगल, और अगर हम बात करें यहाँ पे ओपिस्थोपायरियन, ओपिस्थोपायरियन के बारे में अभी हमने क्या बताया, एंडिंग एट द पोस्टीरियर मार्जिन, तो पोस्टीरियर मार्जिन पे एंड होगा ऑफ सेफेलॉन, ठीक है, तो सेफेलॉन का जो पोस्टीरियर मार्जिन है वहाँ पे वो एंड होगा ये सूचर जो है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। और इसके बारे में जो हाइपोपायरियन है, फेसियल सूचर ऑन वेंट्रल साइड, सॉरी हाइपोपायरियन के बारे में अभी हमने ऊपर जब डिस्कस किया था तो उसमें हाइपोपायरियन में एक और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम ब्लाइंड ट्रालोबाइट कहते हैं, ठीक है, ब्लाइंड ट्रालोबाइट, क्योंकि उसमें जो आईज हैं वो मिसिंग होती हैं, तो एग्नोस्टस जो है वो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है ब्लाइंड ट्रालोबाइट का, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हुज ट्रालोबाइट ग्रुप, फसल ग्रुप स्पीसीज इज नोन एज ब्लाइंड ट्रालोबाइट, तो जो एग्नोस्टस है, ठीक है, एग्नोस्टस को ब्लाइंड ट्रालोबाइट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे उससे भी आप समझ सकते हैं, प्रोपायरियन देखिए मतलब क्या हुआ, जीनल एंगल इन मोस्ट ऑफ द फैकोपिना की भी जैसे हमने बात करी, ठीक है, फॉरवर्ड ऑफ द जीनल एंगल, गोनाटोपायरियन की भी हमने बात करी, एट द जीनल एंगल एज इन द कैलिमेनिया, कैलिमीन की हमने बात करी तो उसमें गोनाटोपायरियन था, अलॉन्ग विद द हिंड सिफेलिन मार्जिन, ओके, एडेक्सियल टू द जीनल एंगल एज इन मोस्ट ऑफ द टाइकोपिना, ठीक है, टाइकोपायरिना, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बेस्ट है आप अगर एग्ज़ाम में बनाना चाहते हैं डायग्राम, तो डायग्राम ये वाले बनाइए, ये डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा प्रिवेलेंट है, सबसे ज़्यादा यही आपको हेल्प करेंगे, और इस तरह का डायग्राम अगर आप बना देंगे और दो दो लाइन में एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल जरूर लिखिए, और ये भी लिख दीजिए कि पोस्टीरियर मार्जिन पे कौन सा पोस्टीरियर मार्जिन पे एंड होगा, ठीक है, कौन सा मिडल पे एंड होगा, कौन बिल्कुल एज पे, बिल्कुल मार्जिन पे एंड होगा, तो ये यहाँ पे आप बता देंगे, एंडिंग एट द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ सेफेलॉन और स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड एंडिंग एट द जीनल एंगल, तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिख देंगे एंड वन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल आप जरूर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हाइपोपायरियन का है तो आप उसमें डायरेक्ट ब्लाइंड एग्नोस्टस जो है, जो एग्नोस्टस है जो कि ब्लाइंड ट्रालोबाइट है, तो उसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ये यहाँ पे जैसे ओलिनेलस की भी हमने बात करी, कैलिमीन की बात करी, ठीक है, या फैकोपिना की बात करी, तो इस तरह से आपका एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करके और एग्जाम्पल लिख देने हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें लिखना था, और छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड टॉपिक नहीं था, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 2015 और 16 और 2016 में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और उससे पहले भी आया है, लेकिन लेटेस्ट की अगर हम बात करें 2016 और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये अब इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो इसी जो वीडियो है या क्लास है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं,
थैंक यू।